नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा इस समय है महाराष्ट्र चुनाव का। आज हमारे साथ में संजय केलकर जी, एक बार फिर से 148 ठाणे विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इन्होंने जो है आवाल पेश किया है लोगों के बीच में, यानी काम करने का उनका जो तरीका है, उनकी पद्धति है, उसके बारे में इन्होंने जो ये आवाल पेश किया है लोगों के बीच में, इसी में सारे मुद्दे हैं। और ये वो मुद्दे हैं जो केलकर साहब ने पिछले 10 साल में किया हुआ है और आने वाले साल में क्या करने वाले हैं, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो इनको सबसे पहले इन्होंने जो लिखा है, जो हक्का चा मानुष जो इनको कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, कि जो हमारे जो शहर के थाने शहर के जो विधायक हैं वो आपके हक के विधायक हैं और अपने हक से जो है आप काम करवा सकते हो। सर स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। सर ये आवाल के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। आपने जिस तरह से ये आवाल पेश किया है तो लोगों के बीच में ये आवाल में क्या क्या आपने दिखाने की कोशिश की है? एक तो मैं आभारी हूँ कि ये विषय को लेकर आपने हमें आज स्टूडियो में बुलाया। ये अहवाल 10 साल का नहीं है जी, ये 5 साल का यह अहवाल है। अच्छा, वैसे भी कोविड का समय बहुत था जी, तो वो छोड़ के जो समय था उसका अहवाल है। और मैं मानता हूँ कि हमारे जो गुरु की जिनकी उंगली पकड़ के हमने राजनीति में काम किया जी, स्वर्गीय रामभाव म्हाळगी, तो उनकी एक शिक्षा थी कि हर एक लोक प्रतिनिधि ने उसका प्रगति पुस्तक लोगों के सामने रखना चाहिए। बिल्कुल, कि उसने क्या काम किया, लोगों ने वोट दिया है तो उसने क्या काम किया ये सामने रखना उसका कर्तव्य बनता है। तो उस दृष्टि से तभी से अभी मैं देखिए कि 16 साल से विधायक हूँ, तो हर समय मैं अहवाल सामने रखता हूँ लोगों के सामने। तो इस अहवाल में मोटे मोटे जो हमने सिटी लेवल पे मासेस के लिए जो काम किए हैं तो उसका ब्यौरा यहाँ दिया है। करीबन 60-70-75 मुद्दे हैं कि जिनके ऊपर हमने थानावासियों के लिए काम किया है, उसके फोटो के साथ में मुद्दे भी है। और खाली हमने पत्र दिया और उसका हमने श्रेय लिया, ऐसा नहीं है। उसके सारे पुरावे भी हमारे पास है कि हमने किस ढंग से उसका पीछा किया, किस ढंग से हमने क्या क्या उसके लिए बनाया। तो मुझे बहुत समाधान है कि ये डबल इंजन सरकार हमारी जो है उसकी वजह से हमने जो जो चीज़ें जो जो विषयों का विकास के विषयों के लिए यहाँ के थाना के मुद्दों के लिए जो जो हमने फॉलोअप किया जी, तो हमें सरकार ने प्रतिसाद दिया और इसीलिए तो ये काम बन गया। सिर्फ विधायक फंड से तो कुछ होने वाला नहीं है, जितने मुद्दे देख रहा हूँ मैं, कोपरी पुल जो कि काफी सालों से लोग कितने परेशान थे, लोग इधर से 6 लेन आगे जाके 2 लेन सिर्फ जी, इतनी परेशानी थी। खोपरी का विषय था और उसके बाद गिरिजी 4-5 जी जी बड़े मुद्दे कह सकता हूँ जी, कि अभी आपने कोपरी पुल का बताया। ये कोपरी पुल की जो कल्पना थी, कोपरी पुल जो है वो खाली 4 लेन का था। बिल्कुल, 2 लेन जाने का, 2 लेन आने का। हाँ, आने का। तो एक बार हमारे दिमाग में आया कि कापूर बावड़ी का फ्लाईओवर बन रहा है तो वहाँ से बहुत फास्टली व्हीकल्स यहाँ आएंगे और वहाँ और जाम हो जाएगा। जाम हो जाएगा पूरा। और फिर क्या करेंगे, आधा एक एक घंटा वहाँ लोगों का, और वहाँ तो दंगल हो जाएगी। आप वहाँ हो रहा था और वैसी बात हो रही थी जी। तो हमने PWD में जाके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बताया कि भाई ये पुल के बारे में क्या क्या है आपके फाइल में, हमको जरा दिखाओ। हमने भी एक बार पत्र लिखा था तो उन्होंने वो फाइल ऐसे झटक के लाई बाहर, मतलब गर्दा खा रहे थे। हाँ, गर्दा। और मैंने फिर उनको साथ में लेके वो कोपरी ब्रिज जो है वहाँ पे विजिट किया, उसका भी फोटो है। और 2012 से लेके करता लगातार मैं फॉलोअप किया कि भाई ये बनना चाहिए, ये PWD की बस की बात भी नहीं है, क्योंकि 9 करोड़ रुपया PWD के पास खाली है। अच्छा, प्रोविजन तो अच्छा हो गया कि फडणवीस सरकार आई 14 को, और हमने तुरंत पहला काम हमने क्या पेश किया, तो ये कोपरी पुल बनना चाहिए, उसके लिए MMRDA ने ये काम लेना चाहिए और आपने इसके लिए तुरंत निधि की मंजूरी देनी चाहिए
और फडणवीस जी को कुछ 600 या 700 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था MMR के वो चेयरमैन मुख्यमंत्री, तो उन्होंने पहले ही मीटिंग में ये मंजूर किया, 100 करोड़ उसके लिए मंजूर हो गए और फिर ये सिलसिला जो है वो 2018 तक शुरू रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आज और फिर आज हमें देखा जाए तो कितना बड़ा 8 लेन का जी, 8 लेन और बहुत कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे मदान करके, उन्होंने भी, मैं तो रेलवे के पास भी जाता था वो डिजाइन के लिए, इसके लिए फॉलो अप करने के लिए MMR के अधिकारियों के साथ में, और मेरा पूरा ध्यान रहता था कि जल्दी से जल्दी ये थाना वासियों के लिए होना चाहिए। फिर मदान साहब ने बोला कि ये सर हम और 1-1.5 महीना लेट होगा, 8 लेन का बना है, बोला और 1 महीना लेट होने दो, 8 लेन का बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, मतलब आने वाले 50 साल आज आपने वो बहुत समाधान है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें और भी है, इसमें पानी समस्या की मुक्ति है, जो है ना पुलिस की कॉलोनी है, नहीं ये मासेस के लिए एक और विषय बताता हूँ जी। देखो शहरी इलाकों में ज्यादा लोग गृह संकुल में रहते हैं, सोसाइटी में, ठाणे जैसी सिटी में 6,000 के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज है जी, और जिले में 30,000, महाराष्ट्र में 1.25 लाख हाउसिंग सोसाइटीज है। ये जो NA टैक्स आपने सुना होगा जी, NA टैक्स जी, कि मार्च महीने के पहले महसूल खाते की नोटिस आती है कि भाई NA टैक्स भरो, NA टैक्स भरो, अकृषक कर, नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स। तो हमारा पहले से आर्ग्यूमेंट था कि एक घर दोन कर, मराठी में बोलते हैं, यानी एक मकान और इसके ऊपर दो दो आप टैक्सेस कैसे लगा सकते हैं, एक महापालिका का भी और एक इनका भी महसूल खाते का, तो ये तो जीजा कर हो जाएगा। तो हमने ये चंद्रकांत दादा बांधकाम मंत्री थे, महसूल मंत्री भी थे, तो हमने पहली बार ये नोटिस को स्टे लगाया कि भाई ये हम नहीं बदलना चाहते, ये आता सरासर हमारे ऊपर अन्याय है। तो ये लगातार अपने 5 साल स्टे लेते गए, लेकिन आज इसका बहुत बड़ा काम ऐसी हो गया है हमारी महायुति सरकार ने कि विखे पाटिल साहब महसूल मंत्री, हमने उनके पीछे पड़े थे, हम उन्होंने मीटिंग बुलाई कि भाई ये बार बार स्टे देने से इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, हमने मांग की भाई ये रद्द करो, ये जीजिया कर है जी। तो लास्ट में अभी निर्णय हुआ आपने देखा कि ये NA टैक्स का जो है ना वो रद्द किया गया। तो आज की तारीख में महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ लोगों को इसका फायदा हुआ। देखिए फ्रेंड्स, लोग बोलते हैं ना कि चलकर सब काम नहीं करते, निकलते नहीं, सिर्फ घूमते हैं, तो क्या क्या इन्होंने आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें की, टैक्स बचाया है उन्होंने, तो यह समझने वाली चीज़ है, तो ये आगे रद्द कर दिया जी। और बहुत बड़ा काम हमको सरकार ने बहुत प्रतिसाद दिया, मैं माननीय एकनाथ शिंदे साहब, फडणवीस साहब, विखे पाटिल और राजीव दादा का आभार मानूंगा कि इसके ऊपर बार बार स्टे देते थे जी, लेकिन इसका निर्णय नहीं लेते थे। जब भी सह्याद्री में उन्होंने मीटिंग ली हम लोग को लेके, तो इसका निर्णय 1-2 महीने के बाद हुआ और अभी हमको वो फल चाखने मिल रहा है। और ये जीजिया कर जो है वो हटाया, मतलब एक बार लग जाता तो ये लाइफ टाइम हो जाता, फिर ये लोग उसकी वसूली थी जी। कुछ लोग बेचारे डर के मारे भर भी देते थे स्टे होने के बावजूद भी, हाँ लेकिन ये काम जो है जी, ये इस माध्यम से देखो कोविड के समय में भी बहुत सारा हमने काम किया। मुझे खुशी है कि ये कोविड के टाइम पे डायलिसिस जो था वो, कोई डायलिसिस किसी का रुकेगा तो उसकी जिंदगी खतरे में है, तो हमने 1040 डायलिसिस हमने फ्री ऑफ चार्ज किए, क्योंकि उनकी जिंदगी बचाना हमारी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। विद्यार्थी क्षेत्र में भी ऑनलाइन एजुकेशन का हमने फ्री ऐप तैयार किया क्लाउड, और उसके माध्यम से क्योंकि स्कूलें बंद थी जी, और पहली से लेके 12वीं तक के विद्यार्थियों को जी, हमने क्या किया कि ये क्लाउड ऐप उनको ऑफर किया फ्री, तो कम से कम 4,500 विद्यार्थी थाना के वो उसके माध्यम से डायरेक्ट जोड़े गए जी, और उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से ये शिक्षा जो है उनकी कंटिन्यू हुई। फ्री मोबाइल ऐप मोबाइल भी दिए, किसी धनी आवाज ने हमें वो उपलब्ध किए जी, हमने 100 बच्चियों को स्लम एरिया के एंड्रॉयड मोबाइल भी दिए, क्योंकि उनका शिक्षा कभी रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो अलग अलग माध्यम से विद्यार्थियों को एनकरेज करना है। यहाँ के थाना के ये कल के ये हमारे शिल्पकार है जी,
ये थाना का थाना बनाने के जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हमने कुछ करना चाहिए, तो उस दृष्टि से भी सराव परीक्षा है, ये है वो, बहुत सारे विद्यार्थी को, क्योंकि दूसरी बात है कि मैं शिक्षक का लड़का हूँ जी, मैं शिक्षक शिक्षण विद्यार्थी प्रिय ऐसा हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि हमने कुछ ना कुछ ये हमारी जो पीढ़ी है उसके लिए करते रहना चाहिए। आरोग्य के विषय में भी हम करते आए हैं, हमारा अन्न छत्र जो है वो 6 साल से शुरू है सिविल हॉस्पिटल में, ये हम अन्नदान नहीं कहते हैं, ये छत्र है, ये कोई दान नहीं है, और इसके माध्यम से 6 साल में कम से कम 648,000 लोग ने भोजन लिया है, तो हमें खुशी रहती है कि गरीब को गरजू को ये जो पेशेंट आते हैं रुग्ण आते हैं उनके रिश्तेदार आते हैं उनको ढंग से अच्छा खाना भी मिले और ये अन्न छत्र का उनको उपयोग भी। तो ये जो लोगों के सर्वांगीण के लिए एक तरफ विकास की बात कि थाना के रास्ते हैं उसके ब्रिजेस है, थाना के अलग अलग क्षेत्र में जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं पानी का भी है वो शासन के माध्यम से करते हुए पानी है जी। अभी पानी के बारे में हमने मोर्चे भी निकाले, बोले सरकार हमारी हो हमारी ना हो, क्योंकि पानी अहम मुद्दा लोगों के लिए है। हर 10 दिन के बाद में हमने पानी खाता और लोग वहाँ वहाँ के पॉकेट्स के उनकी मीटिंग लेके उनका अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व किए, और जलकुंभ जो है वो अभी जो प्रस्तावित है वो भी पूरे हो जाएंगे जी। अभी हमने 2 जलकुंभ के आचार संहिता के पहले तो उसका लोकार्पण भी किया, और सबसे बड़ी चीज़ जो है 75 MLD वाटर की अभी ज़रूरत है, तो घोड़बंदर से लेके हमें ये टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो करीबन मंजूरी की तरफ है, लेकिन आचार संहिता की वजह से। सर अपना थाने का अपना डैम नहीं है, आज तक इतना बड़ा सिटी हो गया है लेकिन अपना डैम नहीं है, उसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं आप? नहीं, उसके लिए देखिए जो महापालिका के माध्यम से गत 20 साल से कोशिश जारी थी जी, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चने आती थी, वो शाहपुर और मुरबाड़ में धरण की जो संकल्पना थी कालू नदी के ऊपर और इसलिए डैम बना नहीं, तो उसको पर्याय करके हमने छोटे छोटे डैम बनाने पड़ेंगे, और वो आगे चल के हम उसका फॉलो करके ये काम करेंगे। फिलहाल तो अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से थानावासियों का पानी का प्रश्न जो है वो हम सॉल्व करने के पीछे हैं। सबसे बड़ी समस्या सर थाने का ट्रैफिक का है, ट्रैफिक को लेकर हालांकि काफ़ी हद तक जो है मेट्रो काम पूरा हुआ है उससे सुधरा है, लेकिन घोड़बंदर के लोगों को शिकायत हमें कमेंट भी करते हैं लोग कि हम किस बेसिक पर वोट दें आपको, कि हमारा जो है हम कहीं भी जाना चाहते हैं तो 2-2 घंटा वो ट्रैफिक में जूझना पड़ रहा है, इस पर कोई अमल नहीं हो पा रहा है सर? नहीं, ट्रैफिक के विषय को लेके उनका कहना कोई गलत नहीं है जी, लेकिन देखिए कि हर एक सिटी की कैपेसिटी रहती है कि कितने लोगों ने यहाँ बस्ती होनी चाहिए तो उनकी सुविधाएं जो है वो हम दे सकेंगे जी। 25 लाख बस्ती है भाई, कोई आपको युक्तिवाद सबके पास गाड़ी और 8.5 लाख व्हीकल्स है जी, तो भाई ये नहीं कह रहा हूं तो हम क्या करेंगे ऐसा नहीं मैं कहना चाहता हूं। उसके ऊपर भी हमने इलाज जो किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके लिए थोड़ा सबर करना पड़ेगा, जिस रेट से बिल्डरों ने और हमारे लोगों ने जिस ढंग से घोड़बंदर की बहुत फास्ट डेवलपमेंट की वहाँ लोग रहने के लिए आ गए, तब तक तो मेट्रो बननी चाहिए जी, तो मेट्रो अभी बनेगी 1-2 साल, रिंग रूट रेलवे मेट्रो भी आ रही है थाना के अंदर, 100 के ऊपर इलेक्ट्रिक बसें आ रही है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, अलग अलग ट्रक ट्रैफिक के रास्ता अलग बन रहा है, 4 व्हीलर के बन रहे हैं, तो ये अगर जब भी 100% कार्यान्वित होगा तो ये ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो जारी होगा, और इसके लिए डबल इंजन सरकार होना चाहिए, इसलिए डबल इंजन चाहिए, केंद्र सरकार का निधि इसके लिए हमें मिलना चाहिए जी, मोदी जी की दृष्टि यहाँ पे आनी चाहिए जी, और राज्य में भी हमारी सरकार बननी चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेशन को लेके ये चीज़ें जो ये चैलेंजेस है जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये डेवलपमेंट के चैलेंजेस, और वैसे भी ये भाग्य विधाता है महायुति सरकार, ये तो क्या था क्या था ये पूरे MMR रीजन में, तो और उसको अगर विकसित थाना हमको बनाना है
तो माहिती की सरकार की जरूरत है। सर आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण को लेकर भी चर्चा है और लाडली बहना योजना जो आप लोगों ने लाया और दूसरा है लास्ट मोमेंट पे जो टोल लाके फ्री किए एमईपी का मुंबई एंट्री पॉइंट उसको लेकर भी लोगों में चर्चा है। हालांकि लोग कहते थे कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ठीक है देर आए दुरुस्त आए, तो इसका कितना क्रेडिट मिलना चाहिए आपको, कितना मिल रहा है? टोल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का बहुत आभार मानूंगा जी, क्योंकि ये एक धाड़सी निर्णय उन्होंने एक दिन में लिया है। एक दिन में नहीं, विचार तो शुरू था हाँ। लेकिन एक निर्णय लेने की जो ये रहती है जी। देखो ये टोल के विषय में कितने साल से हम लोग भी पीछे पड़े, विधिमंडल में अनेक बार मैंने प्रश्न उठाए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थाने वालों को था, मुंबई को कहीं भी जाओ उनको फ्री है हाँ। लेकिन थाने से जाना होता है मुंबई एंट्री पॉइंट, ठीक है उन्होंने 65 टोल खत्म किए, बाहर भी आंदोलन किए, लेकिन एक निर्णय लिया, बहुत लोगों को फायदा हुआ, ट्रैफिक के हिसाब से, ईंधन के हिसाब से, समय के हिसाब से। और ये जो आप लाडली बहन बोल रहे, तो देखिए महायुति सरकार ने ये एक क्रांतिकारी काम किया है कि जो लाडकी बहन योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, आज देखो 2 करोड़ हमारे भगिनियों के खाते में 7,500 रुपया गए। आपके जो MLA जो एरिया है 148 उसमें कितने लोगों को फायदा ना, हमने हमारे यहाँ लाखों लोगों को फायदा हुआ है। हमने एक और एडिशन लाडली बहन योजना जनकल्याण कार्ड हमने शुरू किया, ओके उसका बहुत बड़ा लॉन्चिंग किया, 2,500 महिलाओं की उपस्थिति में जनकल्याण कार्ड फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स, हमारे सभी बंधन नहीं है, सभी इनकम ग्रुप की हमारी लाडली बहनाओं के लिए थाना हमारे सिटी के 85 शॉप्स की हमने लिस्ट दी शॉपकीपर्स को, आस्थापना को हमने विनंती की कि आप कम नफा ले दो और हमें उसका डिस्काउंट दे दो। तो 85 ऐसी शॉप्स है कि जहाँ पे ये कार्ड दिखाया तो 15% से लेके 50% तक, ओ कोई भी चीज़ हो, गोल्ड मेकिंग में 50% हाँ, ड्रेस मटेरियल साड़ी ये वो, मेडिकल स्टोर ओके 18%, तो सारी यादी उनके हाथ में थी। आज मुझे बहुत खुशी है हमारी लाडली बहना, सुन लो जन कल्याण, हमने जन कल्याण योजना कार्ड दिया, जन कल्याण कार्ड आप भी बनाइए, और वो कार्ड जो है थाने में है आज नहीं, ये मेरे सिटी में हमने हमारी तरफ से, ये देखिए ये मैं अभी एक मेरे पास था, ये जनकल्याण कार्ड है, ये जनकल्याण, तो ये कार्ड महिला विकास परिवार जनकल्याण योजना है, हमने ये स्पेशल योजना सभी विधायकी क्षेत्र में लागू होना चाहिए, जिसे केलकर साहब का ये खास योजना है। आज 10,000 महिलाओं, आपला मानुष हक्काचा मानुष जो लोग कहते हैं, ये इन्होंने करके दिखाया है कि जनकल्याण योजना में आप किसी जो भी दुकान में जाएंगे वहां पर 50% लेके 15% तक जो है डिस्काउंट मिलेगा, और ये 10,000 महिलाओं के पास क्या बात, अभी तक ये पहुंच गया है जी। अच्छा अभी चलता रहेगा आगे, नहीं ये 1 साल के लिए हमने रखा है, फिर रिन्यूएशन है, ओके देखो करना है तो दिल से कर, बिल्कुल, और ये हमारे महिला शक्ति के लिए हमारी ये कल्पना है कि हमने उनके लिए हमने भी कुछ करना चाहिए, और ये सारी उत्पन्न गट के महिला भगिनियों के लिए करना चाहिए, तो ये हमने पेश किया है। बहुत अच्छी योजना है सर, जन कल्याण योजना है चाहे लाडली बहना योजना है, मतलब फायदा ही फायदा है, यानी कि कोई कह रहा है खटाखट आएगा वो तो खटाखट का तो झटाझट हो गया, लेकिन ये योजना जो बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं, ये गारंटी की योजना है, यानी कि जो लाडली बहना योजना में तो पैसे आ ही रहे हैं, उसके साथ में इस तरह की जो योजनाएँ हैं जन कल्याण योजना और बाकी भी योजनाएँ भी आएंगी, लोगों घरों की समस्या है, कलस्टर का प्रॉब्लम है, सब मामला ये सब जिस तरह से इसमें अहवाल में दिखाया गया है, जनसेवक आमदार संजय केलकर अपना मानुष हक्काचा मानुष, सर आप दिखाइए लोगों को जी, यस तो हम केलकर साहब को वोट क्यों दें, तो ये है जवाब कि आप हमको वोट इसलिए दीजिए कि आपके जो समस्याएं हैं, आपको जो योजनाओं का लाभ है वो यहीं से मिल सकता है, तो देखा है आपने उसके पहले भी देखा है, तो हम फ्रेंड्स 2019 के बाद जो 5 साल की सरकार चली है इसमें कोई कह नहीं सकता कि हमको मौका नहीं मिला और हमने नहीं किया, 2.5 साल उन्होंने भी चलाया विपक्ष ने, यानी कि महाविकास आघाड़ी ने भी 2.5 साल चलाया, उसके बाद 2.5 साल जो है मायावती ने चलाया, दोनों का काम करने का तरीका और दोनों का
जो योजनाएं हैं उसे जमीन आसमान फर्क तो मैं देख रहा हूं, बाकी आप लोग मतदाता हैं, आप लोग तो डिसाइड करेंगे ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जबल इंजन सरकार से जो है काफ़ी फायदा हो सकती है और होनी भी चाहिए। तो हक्का चा मानुष हैं संजय कलकर जी, और उनको हक से जो है वोट भी देना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, आपने कीमती वक्त दिया हमको, अपने इतने चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इतने बिजी हैं, लेकिन हमारे कहने से उन्होंने समय दिया, इसीलिए बहुत आभारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।